नमस्कार, हमारी खास पेशकश कोरोना रिटर्न लॉकडाउन रिटर्न में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। एक बार फिर पूरे देश में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश में शुक्रवार शाम 6 बजे लॉकडाउन लगाया गया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी लॉकडाउन लग चुका है। कुल मिलाकर एक बार फिर देश का एक साल पहले ही उसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पहले था। और इसी पर है हमारी खास पेशकश कोरोना रिटर्न लॉकडाउन रिटर्न। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चेन तोड़ने के लिए पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन शुरू हो गया है। शाम 6 बजे तक आमतौर पर जाम के हालात की गवाही देती सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और हर ओर पुलिस की गाड़ियां और जवान नजर आने लगे। राजधानी भोपाल में पुलिस चौराहों पर बकायदा लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को लॉकडाउन के बारे में जानकारी दे रही थी और पुलिस के साथ साथ कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन के लिए आला अधिकारी भी सड़क पर नजर आ रहे थे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 दिन के लॉकडाउन का असर साफ नजर आ रहा है। शनिवार सुबह शहर की सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। लॉकडाउन में इमरजेंसी सेवाओं के लिए छूट दी गई है और शहर के हर चौराहे पर पुलिस की टीम निगरानी कर रही है। अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के बाहर निकलने पर पहचान पत्र चेक किया जा रहा है और बेवजह सड़क पर घूमने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। लॉकडाउन में केवल दूध और जरूरी सेवाओं के खुले रहने के आदेश हैं, लेकिन वे भी कम संख्या में खुली है। शहर के लगभग हर चौराहे पर अनाउंस कर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। ग्वालियर में भी कोरोना के कम बैक को देखते हुए शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन में केवल इमरजेंसी सेवाओं के साथ साथ दूध, ब्रेड, फल, सब्जियां ही संचालित हो रही हैं और इसके साथ ही सभी अन्य प्रतिष्ठान बंद हैं। इधर लॉकडाउन को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, उसी बीच कुछ पाबंदियां होना बेहद जरूरी है, तभी हम अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। लॉकडाउन के हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए ग्वालियर में भी 2 दिन का लॉकडाउन है। कल शाम शुक्रवार को 6 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि आज शनिवार को भी लॉकडाउन की जो स्थिति है कि लोग बहुत जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकल रहे हैं। पूरा बाजार बंद है, जिस किसी भी तरह से यहाँ पर जो मार्केट खुला रहता था ये पूरा मार्केट बंद है और ये जो लॉकडाउन है अभी सोमवार को सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। लोग भी इस समय जो लॉकडाउन को लेकर जो स्थिति क्या चल रही है, क्या जो लॉकडाउन लगाया गया है इससे क्या लग रहा है आपको, क्या कोरोना पर इससे काबू पाया जा सकता है? नहीं, इससे कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया जाएगा। जब जनता घर से नहीं निकलेगी तो चैन निश्चित रूप से टूटेगी और जब चैन टूटेगी तो मरीज भी कम होंगे। जैसे आप कोचिंग चलाते हैं, आज आपने भी बंद कर रखा है, तो क्या इससे लगता है कि कोरोना आगे बढ़ेगा तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है? ये सरकारों की जो कोशिश है इसका ये सफल तभी हो पाएंगी जब आम नागरिक इसमें सहयोग देगा। हमें लॉकडाउन केवल बाजारों में नहीं लगाना है, लॉकडाउन हमारे मन में होना चाहिए कि हमें इस बीमारी से लड़ना है, सबको एक होकर लड़ना है। क्या परेशानी आ रही है आप लोगों के सामने 2 दिन? परेशानी ये है जो हम जो सुबह मॉर्निंग में दही जलेबी का नाश्ता करते थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी भोपाल से संवाददाता जुड़ गए हैं अतुल शर्मा, रायपुर से संवाददाता दिलीप साहू जुड़ गए हैं और इंदौर से विकास सिंह सोलंकी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही जबलपुर से अरविंद दुबे फोनों पर हैं और ग्वालियर से विनोद शर्मा और उज्जैन से हमारे साथ में फोनों पर जुड़ गए हैं विजय निमा। सबसे पहले दिलीप आपके पास में आऊंगी कि रायपुर की अगर खास तौर पर बात की जाए तो काफी ज्यादा सख्ती की बात कही गई थी, आवश्यक जो सुविधाएं हैं उन पर भी रोक लगाई गई थी, तो किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है रायपुर से? जी अमन, बताना चाहेंगे कि रायपुर में अभी लॉकडाउन को लेकर 18 घंटे बीत चुके हैं और कल शाम 6 बजे से लॉकडाउन लगाया गया था और रायपुर में काफी सख्ती बरती जा रही है। इस बार फल सब्जी और राशन की दुकानों को भी समय नहीं दिया गया है, उनको भी पूरी तरह लॉक किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग राजधानी के शंकर नगर के पौस इलाके में हैं। मैं हमारे साथी कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह को बोलूंगा कि वो दिखाए नजारा। ये राजधानी का शंकर नगर इलाका है
और यहाँ पर सभी मंत्रियों के और अधिकारियों के बंगले हैं आगे, और आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों की आवाज आ रही है, लेकिन इस पर पुलिस की भी काफी खासी चेकिंग जारी है, और हर आने जाने वालों का पूछा जा रहा है उन्हें कि किस तरह से वो क्यों जा रहे हैं, क्यों बाहर निकल रहे हैं। और ज्यादातर FIR की बात भी कही गई थी, कार्रवाई करने की भी बात कही गई थी, क्या उतनी ही सख्ती के साथ में कार्रवाई की जा रही है या फिर समझाइश देकर छोड़ा जा रहा है? जी, अभी तक हमने बात किया तो ये जो जानकारियां हैं, जितने लोग निकल रहे हैं वो सभी के पास विशेष पास है, या जो किसी के परिजन हॉस्पिटलों में भर्ती है, या कोई सफाई कर्मी है, मीडिया कर्मी है, या सरकारी कर्मचारी है, जिनको अलाउ किया गया है वही लोग रास्ते में निकल रहे हैं, वही उन्हीं लोगों का आना जाना हो रहा है, इसलिए पुलिस उनकी पास और ID चेक करके उन्हें आने जाने दिया जा रहा है। हम इनसे, हमारे साथ द्विवेदी जी हैं यहाँ पर जो ड्यूटी पे हैं, तो द्विवेदी जी से हम जानना चाहेंगे कि सर किस तरह के लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, और क्या कोई इस तरह के लोग आपको मिले हैं जिन्हें, जिन पर कोई कार्रवाई किया गया? अभी तक तो नहीं मिले हैं, इस बार सब लोग पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, कलेक्टर महोदय के आदेश का, और संदिग्धों की भी जांच चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सभी माने जो इसका पालन नहीं करे तो उसका चलानी कार्रवाई भी की जा रही है, उनको समझाइश भी दी जा रही है। ये जो मामले आ रहे हैं, ज्यादातर जो लोग निकल रहे हैं, अभी भी भीड़ दिख रही है, इसमें ज्यादातर किस तरह के लोग हैं? इसमें कोई मेडिकल जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई अपना रेलवे स्टेशन जा रहा है, कोई एयरपोर्ट जा रहा है, बाकी अनावश्यक लोग नहीं घूम रहे इस बार। तो ये अमनदीप जी, इन्होंने बताया कि जिस तरह से जो आवश्यक सुविधाएं हैं, या फिर कहें कि जिन लोगों को हॉस्पिटल जाना है उन्हीं को छूट दी गई है, जिनका जाना काफी जरूरी है। मैं आऊंगी वापस आपके पास में, हमारे साथ में ग्वालियर से विनोद शर्मा जुड़ गए हैं जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बताएंगे। विनोद, किस तरह की तस्वीरें ग्वालियर से निकलकर सामने आ रही हैं, और कितनी सख्ती से पालन हो रहा है ग्वालियर में लॉकडाउन का? क्योंकि इंदौर और भोपाल के बाद में जबलपुर और ग्वालियर ही ऐसे शहर हैं जहां कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी हुई है और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। देखिए, ग्वालियर में जो लॉकडाउन है उसके दो दृश्य हमें नजर आ रहे हैं जी, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था 2020 में, मार्च अप्रैल और मई तक जो लॉकडाउन रहा था, उसमें पुलिस रोडों पर खड़ी थी और जो भी बाहर दिख रहा था उस पर सख्ती से पेश आ रही थी जी। अब लोग स्वतः आज घरों से बाहर नहीं निकले हैं ग्वालियर में, बहुत जरूरी जिनको काम है केवल वही घरों से बाहर देखने को मिल रहे हैं, या फिर जिनको मेडिकल इमरजेंसी है वो घरों के बाहर जा रहे हैं। इसका कारण सीधा सीधा ये है कि सभी तरह की दुकानें बंद हैं, सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद हैं। अगर लोग बाहर निकल के आकर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, गर्मी का माहौल है, गर्मी भी पड़ रही है, तो लोग अधिकतर अपने घरों में आराम कर रहे हैं। कल शाम से लेकर अब आज सुबह तक जो स्थिति है कि कहीं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि जो पुलिस को सख्ती करनी पड़ी हो या फिर लॉकडाउन का कहीं उल्लंघन हो रहा हो। ग्वालियर में 300 से ज्यादा मरीज निकले हैं, उसके बाद अब लोगों को ये साफ तौर पर कहा गया है कि भाई अगर वो घरों से बाहर निकलेंगे, और उनके लिए ही लॉकडाउन लगाया गया है, उनकी सुरक्षा के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, इसमें किसी सरकार को कोई फायदा नहीं है, आम लोगों की फायदा के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। तो लोग इस बात को समझने लगे हैं धीरे धीरे। हाँ, कुछ लोग हैं गली मोहल्लों की अगर हम बात करें तो गली मोहल्लों में लोग एक झुंड बनाकर बैठ जाते हैं या फिर वहां पर बातचीत करते रहते हैं, लेकिन सड़कों पर पूरी तरह से पालन नजर आ रहा है। अब गली मोहल्लों में पुलिस, विनोद, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस की भी यहां पर सख्ती देखी जा रही है ग्वालियर में, और जनता भी काफी ज्यादा अवेयर है। और भोपाल से हमारे साथ संवाददाता अतुल शर्मा जुड़े हुए हैं, भोपाल का हाल जान लेते हैं क्योंकि कल शाम 6 बजे से राजधानी भोपाल में भी लॉकडाउन लगा है। अतुल, कितनी सख्ती से लॉकडाउन का पालन हो रहा है और साथ ही जनता कितनी अवेयर दिखाई दे रही है, क्या कुछ तस्वीरें हैं सड़कों की? देखिए बिल्कुल अमन, जिस तरीके से मैं अपनी बात शुरू होने से पहले ये जरूर अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि दोपहर के 12 बजे हैं, हम बोर्ड ऑफिस चौराहे पे हैं, सूरज अपनी तीव्रता पे है और भयानक गर्मी इस समय भोपाल में हो रही है। हालांकि मैं बोर्ड ऑफिस चौराहे पे हूँ, कुछ नजारा दिखाता हूँ, ये समझाने की कोशिश करता हूँ अपने दर्शकों को कि आखिर कोविड का कितना प्रकोप है। देख सकते हैं भरी गर्मी में हमारे पुलिस के जवान चौराहे पे खड़े हुए हैं, तमाम तरीके की चेकिंग की जा रही है, आने जाने वाले लोगों से भी चर्चा की जा रही है, क्यों निकला जा रहा है घर से, वेद अगर उनके जो जवाब मिल रहे हैं तो ही उनको छोड़ा जा रहा है, नहीं तो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अमूमन अमनदीप, हमने देखा राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें
तो जिस तरीके से लॉकडाउन की बात की जा रही थी और तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही थी, वैसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं रहा है। लोग घर से निकल रहे हैं, तमाम तरह की सड़कें हैं, बोडाफी चौराहे पे आप देख सकते हैं कि आराम से लोग जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तमाम तरीके की गतिविधियां जो चल रही हैं, हालांकि लॉकडाउन है, जो बाजार और तमाम दूसरी चीजें बंद है, लेकिन घर से निकलना जो जिसको सबसे जरूरी हम मान रहे थे कि जिला प्रशासन की जो मुहिम है उसके कहीं ना कहीं कहा गया था कि पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी ज्यादा सख्ती होगी, क्या उतनी सख्ती देखी जा रही है? आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है? देखिए बिल्कुल आने जाने वालों से पूछताछ जरूर की जा रही है, लेकिन अमनदीप देखिए ये हमें समझना होगा और ये हमारे दर्शकों को भी समझना होगा इस चीज को लेके कि क्योंकि जिस तरीके से अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें और 24 घंटे की आंकड़े की ही हम अमनदीप देखें तो लगभग 700 के करीब ये आंकड़ा पहुंच रहा है। ऐसे में जिस तरीके से लॉकडाउन की बात की जा रही है, 60 घंटे का ये लॉकडाउन है, ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बार मीडिया के माध्यम से भी लोगों से अपील करी थी कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जिस तरीके से लॉकडाउन की जो नियम बनाया गया है उस नियम का पालन करें ताकि जो एक चेन बनाई जा रही बन रही है कोविड की उसको ब्रेक किया जा सके। बहरहाल लेकिन ऐसी तस्वीर राजधानी में कई इलाके हैं हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पे आवाजाही लगी हुई है, जिस तरीके से लगातार लोग घर से निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कोरोना काल का लगभग एक साल से ज्यादा का समय बीत रहा है, कोरोना टू की वापसी हुई है, बड़ी वेव आई है, तमाम तरीके की हम लोग देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स की हालात बिल्कुल गंभीर बन चुके हैं, 90% तक जो है बेड फुल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जब सरकार ने अब आंकड़ा और ज्यादा बढ़ता है तो स्वास्थ्य विभाग के लिए यहाँ पर एक दोहरी मुसीबत हो जाएगी और साथ ही जनता तो वैसे ही परेशान है, आने वाले दिनों में अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो चिंताएं जनता की भी और बढ़ेंगी। अरविंद दुबे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जबलपुर से। अरविंद, बाकी जगह की हमने तस्वीरें दिखाई, देखकर लगता है कि एक साल पहले देश पहुंच चुका है, वही लॉकडाउन देखने को मिल रहा है और वही लोगों में लापरवाही भी कई जगह पर देखी जा रही है, कोरोना के भी आंकड़े उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। जबलपुर की अगर बात की जाए तो जनता में कितनी अवेयरनेस और कितनी सख्ती पुलिस प्रशासन की देखी जा रही है? जहां तक अवेयरनेस की बात है जबलपुर के लोगों की, तो वे पूरी तरह से इस बात को समझ चुके हैं कि यदि उन्होंने अब चेन तोड़ने के लिए अब यदि सहयोग नहीं किया तो अब बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा जबलपुर के लोगों के लिए। ये कोरोना पहली भारी पड़ चुका है पिछले साल की तुलना में, यदि हम इस साल का कंपैरिजन करें तो उस कंपैरिजन में देखते हैं कि इस बार की जो वेव है कहीं ज्यादा भयानक है, कहीं ज्यादा संक्रामक है और साथ ही तेजी से संक्रमण फैलाने वाली है। तो इस वजह से जबलपुर के लोग बेहद सतर्क हैं। शनिवार की सुबह जब हुई तब सड़कें सूनी थी, बहुत कम संख्या में वाहन नजर आ रहे थे, एक या दो लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे थे। ये वो लोग हैं जो हमारे जैसे लोग हैं, या तो मीडिया कर्मी हैं, अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं और या फिर दवा लेने के लिए जो निकले थे वही थे। इसके अलावा पूरे चौराहों पर पुलिस की गश्त नजर आ रही है। इससे समझा जा सकता है कि लोगों ने पूरी तरह से इस लॉकडाउन में सहयोग किया है। शासकीय कार्यालय पहले से ही बंद करने के लिए घोषित कर दिए गए थे तो शासकीय ड्यूटी पर लगे हुए लोग सड़कों पर नहीं आए, लेकिन फिर भी पर एक बात बता दूं आपको कि जो संक्रमण की स्थिति है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। दो दिनों से आंकड़ा 300 के नीचे आ ही नहीं रहा है संक्रामक मरीजों का, 280 मौतें अभी तक दर्ज की जा चुकी हैं, 21,544 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जबलपुर में भी स्थितियां अमूमन बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि प्रदेश के पूरे 52 जिलों की है या छत्तीसगढ़ के जिलों की स्थिति है। तो यहाँ पर खुद जनता को भी आगे आकर सही कहा आपने कि देखिए सरकार और प्रशासन के द्वारा तैयारी तो काफी की जा रही है, कोशिश भी की जा रही है कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, पर जो आंकड़े हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं इतने सारे प्रयासों के बाद भी। तो मध्य प्रदेश के आऊंगे अरविंद आपके पास में भी, मध्य प्रदेश की राजधानी से हमारे साथ, आर्थिक राजधानी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं विकास सिंह सोलंकी। विकास, इंदौर में लोगों की आवाजाही काफी तौर पर ज्यादा रहती है बाकी जिलों के मुकाबले अगर हम देखें, तो क्या कुछ तैयारी लॉकडाउन में देखी जा रही है? और जैसे कि हमने देखा कि बाकी जगह जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वहां पर जनता काफी ज्यादा अवेयर दिखाई दे रही है, क्या छत्तीसगढ़ में भी जनता अवेयर हुई है पहले के मुकाबले? निश्चित रूप से मंदिर आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर के अंदर कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और आप तक के सबसे बड़े सर्वाधिक आंकड़े जो है कोरोना के आ रहे हैं, वहीं मौत के आंकड़ों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। मैं सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगा कि इंदौर शहर के अंदर लॉकडाउन लगाया गया है। आप देख सकते हैं मैं इंदौर के DIG ऑफिस कार्यालय के बाहर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इंदौर नगर निगम की टीम तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि DIG कार्यालय के बाहर
चीफ ट्रैफिक का एक जवान यहाँ पर मौजूद है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंदौर के अंदर लापरवाही लगातार चरम पर है, लगातार कोरोना का संक्रमण यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के अंदर लापरवाही अभी भी देखने को मिल रही है। बिना वजह लोग यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। तो तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, नजर आ रहे हो पुलिस की जो सतर्कता है जिस तरह से। विकास बात पूरी कीजिए आप अपनी। जी निश्चित रूप से जिस तरह से पिछले अगर 2020 के लॉकडाउन की बात की जाए तो जिस तरह की सख्ती देखने को मिली थी, जब मैदान जो थे पुलिस ने संभाला था, जो लोगों को घरों से आवाजाही नहीं देने जा रही थी, सख्ती बरती जा रही थी, लेकिन किसी तरह की सख्ती इंदौर शहर के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। लगातार जो है लोग घरों से बाहर निकल रहे, यही कारण है कि इंदौर शहर के अंदर संक्रमण दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर यही हालात रहते हैं, जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर सख्ती की बात की गई थी, लेकिन शहर के अंदर किसी तरह की सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। चौराहों पर सिर्फ ट्रैफिक के जवान यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी पुलिस के आला अधिकारी या पुलिस के जवान जिस तरह से सख्ती होना चाहिए थी उस तरह से सख्ती नहीं है। मैं अगर 2020 की बात करूं तो 2020 के अंदर आज ही के दिन 360 मरीजों की जांच के अंदर 22 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन इस बार जो आंकड़े हैं वो भयावह हैं, क्योंकि 912 जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं एक दिन में सबसे ज्यादा मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही इंदौर शहर के अंदर शुरुआत से बरती गई थी, अगर ये लापरवाही अभी भी नहीं थमी तो आने वाले दिनों में जो इंदौर की तस्वीर होगी उसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं और हम भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो स्थिति है वहां की वो काफी ज्यादा भयावह है। और महाकाल की नगरी से संवाददाता हमारे साथ में विजय नीमा जुड़ गए हैं। विजय, क्या कुछ तैयारियां उज्जैन में देखी जा रही हैं, क्योंकि उज्जैन में महाकाल का दरबार है और लोगों की जो दर्शन करने के लिए आवाजाही है वो सबसे ज्यादा देखी जाती है, तो क्या कुछ तैयारी महाकाल के दरबार में देखी जा रही है और साथ ही लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारी प्रशासन की तरफ से? जी अमनदीप, बताना चाहूंगा कि महाकाल मंदिर में 11 दिन का अनुष्ठान यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है ताकि कोरोना महामारी से लोगों को निजात मिल सके। इसी के साथ में लॉकडाउन की अगर बात करें तो उज्जैन में लॉकडाउन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है और लोगों को घर पर रहने की हिदायत दी जा रही है, साथ ही पूरे शहर में सैनिटाइज किया जा रहा है और कलेक्टर सभी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं पीपीटी किट पहनकर और निरीक्षण कर रहे हैं सभी अस्पतालों का और मरीजों पर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है विजय, आऊंगी मैं आपके पास फिर से, पर रायपुर से जो दिलीप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एक बार फिर से रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। दिलीप, जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वैक्सीनेशन में किसी तरह की कमी नहीं देखी जाएगी, क्योंकि रायपुर में और बाकी सारे जिलों में काफी सख्ती से पालन हो रहा है लॉकडाउन का, तो इस बीच क्या किसी तरह से वैक्सीनेशन में भी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है, अब किसी तरह की वैक्सीनेशन में कमी हुई हो? जी अमनदीप, इसमें एक बात अच्छी रही है कि लॉकडाउन के साथ ये इस चीज को स्पष्ट गाइडलाइन में रख दिया गया है कि वैक्सीनेशन कहीं प्रभावित नहीं होगा लॉकडाउन के दौरान। वैक्सीनेशन का काम सभी जगह सभी सेंटरों में जैसा चल रहा था वैसा चलेंगे। इसमें एक चीज आ रही है दिक्कत कि वैक्सीन का डोज जो प्रॉपर केंद्र सरकार से अभी तक यहाँ मिलता रहा है उसमें कमी आ गई है, अब एक दो दिन का ही स्टॉक यहाँ है। कल जब मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री और उनकी जो टीम के साथ जुड़े तो उन्होंने ये मांग रखी थी कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीन का डोज है वो कम से कम एक सप्ताह के स्टॉक के रूप में दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जिस तरह से वैक्सीन का डोज मिलता है उसी हिसाब से वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाता है। बीच में एक दौर आया था जब 3,31,000 से अधिक लोगों को एक ही दिन में वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन अभी वैक्सीन की कमी होने की वजह से ये जो डोज है उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है, 2 लाख 2.25 लाख 2.5 लाख इस तरह का डोज पर डे लग रहा है। अगर जितनी मात्रा में अगर वैक्सीन यहाँ उपलब्ध होगी उस हिसाब से वैक्सीनेशन के जो रफ्तार है वो बढ़ाई जा सकी है। तो इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार से बातचीत हो रही है, हालांकि सरकार द्वारा वैक्सीनेशन को बढ़ाने की भी मांग की गई थी, तो उसको लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है केंद्र सरकार द्वारा? नहीं, बातें तो लगातार हो रही है, हालांकि अभी हाल ही में कल और 2.5 लाख डोज आए हैं नए डोज, लेकिन एक दो दिन का ही स्टॉक उपलब्ध हो पा रहा है जी। और
सरकार लगातार मांग कर रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र से बातचीत कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी लगातार अभी हाल ही में उन्होंने भी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से जब बात हुई थी उनकी, तो उन्होंने भी ये मांग की थी कि वैक्सीनेशन का डोज यहाँ जो छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है उसको बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि यहाँ के जो कोरोना के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना 10,000 से अधिक मरीज पूरे प्रदेश में निकल रहे हैं। वही रायपुर की बात करें तो यहाँ भी 2,000 से अधिक मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं, 2,000 से अधिक नए केस, इसको लेकर पूरी व्यवस्था करने पे लेकर शासन प्रशासन लगा हुआ है। दिलीप, देखिए बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि जितनी सख्ती और लॉकडाउन यहाँ पर देखा जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में उसका असर दिखाई देगा? अतुल, आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से जब पहले ही सरकार द्वारा ये कहा गया कि लॉकडाउन लगेगा मध्य प्रदेश के कई सारे शहरों में, तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि लॉकडाउन 60 घंटे से बढ़कर और दिनों के आगे भी बढ़ सकता है, और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक भी लेने वाले हैं, तो क्या कुछ उम्मीद, क्या पहले की तरह ही 60 घंटे के बाद लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, या आने वाले दिनों में भी किसी तरह की सख्ती देखी जाएगी, या फिर ऐसे भी कयास लगाने ठीक होंगे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है? देखिए अमनदीप, जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ाने की बात है तो फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं है, 60 घंटे का लॉकडाउन है जिसपे सरकार विचार भी कर रही है। हालांकि देखिए, आज जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो एक बड़ा बयान आया है, ये वाकई चिंता का विषय भी है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि अप्रैल माह के अंत तक मध्य प्रदेश के अंदर एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 1 लाख तक पहुंचने की संभावना है। काफी बड़ा फिगर है अमनदीप, और ऐसे में अगर 1 लाख तक फिगर ये जाता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश के दूसरे तमाम जो जिले हैं राजधानी समेत, वहां पे जरूर जो दूसरे विकल्प हैं वो उसको खोलने की जरूरत होगी। उस विकल्प के अंदर लॉकडाउन भी एक प्रभावी विकल्प हो सकता है बहरहाल। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिस तरीके से बड़े जो शहर है मध्य प्रदेश के, वहां की जो सरकारी बिल्डिंग है, तमाम जो दूसरी बिल्डिंग है उनको टेक ओवर किया जाएगा, उनके साथ वहां पे हॉस्पिटल खोले जाएंगे, तमाम सुविधाएं कोविड सेंटर बनाने की जाएगी, जिसको लेकर निजी हॉस्पिटल्स से भी जो है सरकार की बात चल रही है ताकि बेडों की जो है सुविधा हो सके। हालांकि देखिए, बहुत बड़ा फिगर है, 1 लाख का अगर फिगर अगर पहुंचता है और एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख तक पहुंचती है तो बाकी प्रदेश के लिए काफी चिंता का विषय भी होगा। और जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं अमनदीप, राजधानी भोपाल कम से कम हम ये बात कर सकते हैं कि आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन कल शाम 6 बजे से चालू हुआ, लेकिन वर्तमान स्थिति गर्मी के होने के बावजूद भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, तमाम जो है आवाजाही चली हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को ये समझने की जरूरत पड़ना चाहिए अमनदीप कि जो संक्रमण है काफी दूसरी जो वेव है काफी खतरनाक भी है और लगातार हम देख भी रहे हैं। तो लॉकडाउन खुलने के बाद ये समझ में आएगा कि लोग कितने ज्यादा जागरूक हुए हैं और वाकई में क्या कुछ तस्वीरें हैं वो लॉकडाउन खुलने के बाद ही सामने आएंगी, क्योंकि अभी पुलिस के डर से लोग वैसे भी बाहर नहीं निकलते हैं। विकास, आपके पास में आऊंगी। जैसे कि आपने अभी तस्वीरें दिखाई कि काफी ज्यादा लापरवाही यहां पर की जा रही है पुलिस कर्मियों द्वारा और लोग भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, वहीं अतुल ने अभी बताया कि आने वाले दिनों में 1 लाख के पार भी ये आंकड़ा पहुंच सकता है। तो अगर देखा जाए, जिस तरह से अभी तक इंदौर का हम ग्राफ देख रहे हैं, सबसे ज्यादा आंकड़े इंदौर से ही सामने आए हैं, तो इतनी बड़ी लापरवाही, आखिर क्या वजह है इसकी? क्या प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, जनता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है, इसके पीछे रीजन कुछ और है? जी निश्चित रूप से अमनदीप, अगर बात की जाए जिस तरह से इंदौर शहर के अंदर संक्रमण बढ़ रहा है और लॉकडाउन की भी बात कही जा रही है, इंदौर शहर के अंदर लॉकडाउन लगा भी दिया गया है, लेकिन जिस तरह से लोगों के अंदर लापरवाही देखने को मिल रही है, और मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह पिछले लॉकडाउन के अंदर अगर बात की जाए तो जो पुलिस के जवान है जिन्होंने सड़कों पर मैदान संभाला था वो कहीं ना कहीं नदारद यहाँ पर दिखाई दे रहे, पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर सड़कों पर नहीं है, यही कारण है कि लोगों की आवाजाही लगातार चलती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लोगों में भी लापरवाही है। वही कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन के अंदर किसी भी तरह के लोग अगर बिना वजह से घूमते पाए जाते हैं तो उन्हें चालानी कार्रवाई की जाए, उन्हें अस्थायी जेल में पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद है, नगर निगम के कर्मचारी मुस्तैद है, लगातार सैनिटाइजिंग की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के जो जवान है, जो पुलिस के आला अधिकारी है, वह यहाँ पर जो मैदान नहीं संभाल पा रहे, यही कारण है कि इंदौर शहर के अंदर टोटल लॉकडाउन के अंदर ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकलते नजर आ रहे। अगर इंदौर शहर की हालत की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण इतना भयावह है,
कि इंदौर शहर के अंदर अभी बेड भी यहाँ पर नहीं मिल पा रहे। कल की ही बात मैं आपको बताता हूँ कि कल दो मरीज सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बाहर तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी क्योंकि उन्हें वहाँ पर बेड नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना पड़ेगा, समझदारी दिखानी पड़ेगी, जागरूकता लानी पड़ेगी। हालांकि इंदौर शहर के अंदर जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, लगातार जो जन सेवक है वह लगातार जागरूकता अभियान चलाया है। जो यहाँ के प्रभारी मंत्री है तुलसीराम सिलावट, उन्होंने भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो तैयारी की गई थी वो भी अब कम पड़ने लगी है। ऊपर से इस तरह की लापरवाही तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में इंदौर में आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और कुछ लोगों की गलती और लापरवाही का खामियाजा न सिर्फ इंदौर भुगतेगा वरना पूरा मध्य प्रदेश भी इसका खामियाजा भुगतेगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका विकास। और भोपाल से संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। अतुल आपका भी बहुत शुक्रिया। और रायपुर से दिलीप साहू जुड़े हुए थे और साथ ही फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए थे जबलपुर से अरविंद दुबे और ग्वालियर से विरोध शर्मा और उज्जैन से विजय नीमा जुड़े हुए थे। आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आखिरी में बस यही एक संदेश कि दो गज की दूरी का पालन कीजिए और मास्क जरूर लगाइए क्योंकि आपकी सुरक्षा आप ही के हाथ में है।